थेपड़ दे बेटा, थेपड़ बेटा, इरण इरण कर। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से न्यू ब्लॉग के अंदर। आप सभी को प्यार बना नमस्कार, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। चलिए आज का ब्लॉग शुरुआत कर लेते हैं। आज का ब्लॉग शुरुआत करूंगी मैं बिल्कुल सुबह से, एकदम सुबह से। बस मैं नहा धो के आई थी और उसके बाद ही मैंने कैमरा लेके वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था। तो आज का मौसम देख लेना आप कैसा है हमारे यहाँ और क्या कुछ चल रहा है। और उसके बाद हम चलते हैं किचन में। किचन में मैं आज बनाने वाली हूँ एक ऐसी स्पेशल चीज़ जो बिल्कुल नॉर्मल सी है लेकिन हमारे घर में पहली बार बनेगी और पहली बार खाएंगे। हालांकि इतना बड़ा परिवार है, आज तक किसी ने नहीं खाई है और मैंने भी केवल एक ही बार खाई है, वो भी बाहर खाई थी, घर में बनी हुई नहीं खाई है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। ऐसी वो कौन सी क्या चीज़ है जो इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी किसी ने नहीं खाई। ये देखिए एकदम सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल बस अभी हमने काम स्टार्ट कर किया ही है, दिन निकला ही है। और अभी ये देखिए कोहरा हर तरफ छाया हुआ है और ओस इतनी ज़्यादा गिर रही है कि बाहर कोई भी सामान नहीं रख सकते और इधर से उधर जाते हैं तो कपड़े भी गीले हो रहे हैं। ये देखिए कितना कोहरा छाया हुआ है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी दूर पर सामने गेट भी नहीं दिख रहा, आसपास के घर भी नज़र नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। पेड़ पौधे आपस में, जब गांव के अंदर भी इतनी धुंध है तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा होगी। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। बस साफ सफाई कर ली थी और उसके बाद जस्ट मैंने सब्जी काट ली थी और अभी पहले मैं सब्जी छौंक देती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी अगली वो रेसिपी जो आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी और पहली बार बनाऊंगी। कैसे बनेगी, क्या बनेगी, चलिए ब्लॉग में देखते रहना। अभी मैं छौंक लेती हूँ सब्जी। मैंने सब्जी बना रही हूँ आलू की, थोड़े से आलू रखे हुए थे तो उन्हीं की बना लेती हूँ। कल शाम को मैंने आलू धो दिए थे तो फिर धोने के बाद आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो पहले मैंने सोचा आलू ही बना लेते क्योंकि मैं कड्डी बनाने वाली थी, लेकिन कड्डी आज इतनी ज़्यादा ठंडा है कि दूध भी नहीं जमा यानी दही नहीं बना। तो फिर अभी सुबह उसको दोबारा से गर्म किया और दूध जमाया है और दिन में देखेंगे फिर जमेगा कैसे जमेगा। और बिलौना बाद में होगा तो कड्डी नहीं बन सकी तो फिर थोड़ी सा आलू रखी थी, मैंने सोचा आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो पहले मैं आलू छौंक देती हूँ और उसके बाद, क्योंकि अभी टाइम हो गया लगभग 9:30 का, तो सभी खाना भी खाएंगे। और अभी मैं बता देती हूँ आपको, सब्जी मैंने छौंक दी है और अभी यहाँ पे सारा सामान रख लिया है मैंने। मैं लगाऊंगी आटा और आटा लगा के पहले रोटियां बना दूंगी और उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ आज मूली के पराठे। गाइस मतलब पहले मुझे सुन के बहुत ही अजीब लगा क्योंकि हमारे घर में मूली के पराठे आज तक किसी ने नहीं खाए। कई बार गए हो तो वैसे ही बाहर का खाना नहीं खाते हैं और घर में कभी आज तक मूली के पराठे नहीं बनाए। मूली यहीं पे हमारा खेत है नज़दीक में ही, मूली भी आती है, खाते हैं, सलाद में भी खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, गोंदल भी खाते हैं, सब कुछ, लेकिन मूली के पराठे नहीं खाए आज तक। के करा मैं दूर सोवा के सो जा। ओ, 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 ओ। और अभी बीच में मधुर को संभालने चली गई थी और मधुर के पास से आने के बाद मैं लगा देती हूँ आटा क्योंकि पापा जी भी नहा लिए, जोतबत्ती कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद खाना खाते हैं और फिर बाहर का जो काम होता है, मतलब बाहर जाने वाले तो जल्दी खाना बन जाता है तो वो काम भी जल्दी हो जाता है। तो सर्दी में और काम तो कर नहीं सकते, खाना बना के तो खा ही सकते हैं सुबह सुबह, तो मैंने ये काम फटाफट से निपटाने की सोचती हूँ। मैं पहले किचन के काम सारे निपटा देती हूँ ताकि जैसे ही धूप निकल जाए या फिर थोड़ी सी ठंडी कम हो जाए तो मैं बाहर का काम निपटा लूँ। तो पहले मैं आटा लगा देती हूँ और उसके बाद रोटियाँ। ये देखिए मैंने एक, मतलब एक बंदे की रोटी बनते उतना आटा ले लिया है, यानी आधी बाटी के लगभग आटा ले लिया। और उस आटे के अंदर मैं थोड़े से बेसिक से मसाले ऐड कर लेती हूँ, यानी थोड़ा सा नमक मिर्च और अजवाइन
ये सब डाल लेती हूँ पराठे के अंदर, जो भी चीज़ डालती है वो डाल देती हूँ। ज़्यादा चाट मसाले, गरम मसाले वो यूज़ मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर तो बाहर का भी खाओ चाहे घर का खाओ कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो फिर मैं बेसिक से मसाले ऐड कर लेती हूँ। इनके बिना तो पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ी सी नमक, मिर्ची और अजवाइन डाल ली है मैंने। और अभी ये मैंने कद्दूकस कर ली थी मूली, तो अभी मूली को डाल देती हूँ। और इसको डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मसल मसल के सारे आटे को मूली के अंदर मिक्स कर दूँगी। साथ में ये मसाले ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मसल लेती हूँ, क्योंकि मूली के अंदर जो पानी होता है ना वो आटे को आटा सोस लेता है उसको, तो फिर आटा लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। अगर पहले हम पानी डाल देते हैं ना तो फिर वो अलग अलग रह जाता है और ज़्यादा गीला हो जाता है। वैसे भी गीला तो मैंने कर ही दिया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था इसके अंदर, और तो ज़्यादा गीला हो गया है। इसको गीला नहीं करना है। ये देखिए मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल काम कर करके आप लोगों को ये बात बता रही हूँ भी मैंने ये गलती की है। आप लोग अगर बनाओ तो ये गलती मत करना, क्योंकि दूसरी बार तो मुझे याद रहेगा कि पिछली बार मैंने क्या गलती की थी। अभी मैं इसको अच्छे से मसल मसल के टाइट सा आटा लगाना था, लेकिन ये लूज हो गया। लूज होने के बाद पराठे नहीं बनते हैं, बहुत ही मुश्किल देखिए होता मेरा है, बन आटा तो लग जाते गया है हैं। और ये हाथ की ना चिपके, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा अच्छे से मसल लेती हूँ। तो आटा एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन के रेडी होगा। और आटा तैयार करने के बाद मैं इसके अंदर सूखा आटा डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये आटा जो तैयार हुआ है ये बहुत ही गीला रह गया है, यानी इसको टाइट गूंथना था लेकिन ये टाइट नहीं, लूज ही है अभी तक। और मैंने इसके अंदर आटा ऐड कर करके फिर मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। अभी टाइम काफ़ी हो चुका है और मधुर भी वेट करने लगा है, अभी मामा दूध भी लाएगी आएगी। तो फिर मैंने फटाफट से सूखे आटा लगा लगा के और इसके फटाफट से पेड़े बना लिए हैं। और अभी मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए मूली के पराठे हैं, थोड़े से अगर टाइट आटा होता है ना तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल सिंपल पराठे की तरह बनते हैं। बस मैंने इसको तवे पे डाला और थोड़ा सा सेका, और उसके बाद मैंने इस पे ये अप्लाई कर दिया। और इसी तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्ट, खाने में बहुत ही गजब के बने। खाने के बाद सभी ने बोला कि वह बहुत ही अच्छे बने हैं, और हमने तो और भी चाहिए थे, लेकिन मूली मेरे पास दो ही थी तो मैंने कम ही बनाए थे, केवल 5 ही पराठे बने थे मेरे। तो फिर कभी कल या परसों तक मूली आएगी तब फिर मैं दोबारा से बनाऊंगी। इतने टेस्टी बने कि दोबारा से डिमांड आई। ऐसे पराठे तो रोज़ रोज़ खाने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छे लगे। सोचा नहीं था इतना अच्छे बनते हैं, कि मैंने भी बाहर खाए थे लेकिन उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं लगा, घर पे बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि चाहिए डेली डेली खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो लो जी मैं फटाफट से बना लेती हूँ। ये मेरे 4-5 पराठे बन के रेडी हुए हैं, मैं फटाफट से इनको फ्राई कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। अपने यूट्यूब फैमिली खुश रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, यही ईश्वर से मनोकामना करते हैं। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बताइएगा आप लोगों ने खाए हैं क्या, मूली के पराठे खाए हैं क्या? नहीं खाए तो कमेंट में जरूर लिखना, आज तक इतने बड़े हो गए किस किस ने नहीं खाए हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, हर घर में बनती रहती है, लेकिन इधर नहीं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारी यूट्यूब फैमिली एकदम स्वस्थ रहे, यही भगवान से मनोकामना करते हैं।